हेलो बच्चों, आइए आज हम जमा के कुछ नए सवालात हल करते हैं, जैसे कि हमने पहले हल किए थे। सवाल क्या है? चिंटू के पास 16 लट्टू हैं और पिंटू के पास 12 लट्टू हैं। तो बताइए दोनों के पास कुल मिलाकर कितने लट्टू हैं? आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये रहे लट्टू। ये कितने लट्टू हैं? ये कुल 16 हैं। और ये कितने हैं? ये हैं 12। चिंटू के पास 16 हैं और पिंटू के पास 12 हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम एक जदवल बना लेते हैं। जदवल इकाई और दहाई का है। ये देखिए, ये जो 16 लट्टू थे इसमें 6 इकाइयां और एक दहाई है, क्योंकि 10 का एक गिरोह है और 6 लट्टू अलग से हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने ये 6 इकाइयां दे दी और ये एक दहाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 12 लट्टू थे, इसमें से 10 का एक गिरोह मतलब एक दहाई और ये 2 लट्टू हैं अलग से मतलब 2 इकाई। तो ये 2 इकाई गई और यहाँ से गई एक दहाई। तो अब इसे जमा करना है, तो हमने इसे मिला दिया। जब अलग से इन लट्टू को मिलाने पर ये 6 और 2 मिलकर 8 हो गए और ये दहाई मिलकर हुई 10 और 10 20 मतलब 2 दहाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पास कुल मिलाकर 28 लट्टू हैं। कैसा रहा सवाल? अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीता के पास 14 पेंसिलें हैं और राहुल के पास 11 पेंसिलें हैं। तो बताइए इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? तो सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे। ये कितनी है? 14। और ये रही 11। अब यहाँ जदवल बनाते हैं। जदवल में इकाई और दहाई लिखते हैं, लिहाजा अगर यहाँ से मैं 14 में से अलग करूँ तो 4 पेंसिलें निकलेंगी और 10 का एक गिरोह बन जाएगा। ठीक है, ये और इसी तरह यहाँ अगर मैं 11 में देखूँ तो 10 का एक गिरोह बनेगा और एक पेंसिल अलग से। तो अब यहाँ देखिए, ये 4 इकाई और एक दहाई हो गई। इस तरह यहाँ एक इकाई और एक दहाई। और अब हम क्या करेंगे? दोनों को मिला दें। अगर दोनों की पेंसिलों को मिलाने पर 4 और 1 5 पेंसिलें होती हैं, इसी तरह ये जो 2 दहाइयां हैं इन्हें मिला दें तो कुल 20 बन जाएगा। तो इस तरह 20 और 5 25, तो दोनों के पास कुल मिलाकर 25 पेंसिलें हैं। अगला सवाल है, कमल के पास 21 चॉकलेट्स हैं और विमल के पास 15 चॉकलेट्स हैं। तो बताइए दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट्स हैं? तो ये रही कमल की चॉकलेट, ये कुल 21 है, और ये विमल की कुल 15 चॉकलेट। अब इकाई और दहाई का जदवल बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए कि हमने क्या किया, 10 के 2 गिरोह और 1 चॉकलेट को अलग से रख दिया। तो ये 10 और ये 1, इसी तरह यहाँ पर 10 का 1 गिरोह और ये 5 चॉकलेट अलग से। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर 1 इकाई है और 2 दहाई है, और यहाँ बच्चों यहाँ पर 5 इकाई और 1 दहाई है। और अब अगर मैं इन अलग रखे हुए चॉकलेट्स को मिलाऊं तो ये 5 और 1 मिलकर हुए 6, और यहाँ पर 20 और 10 मिलाकर हो गए 30। तो 30 और 6 मिलाकर 36 होते हैं। इसका मतलब है दोनों के पास कुल मिलाकर 36 चॉकलेट हैं। काश हमें भी इसमें से थोड़े मिल जाए। अगला सवाल, राजू के पास 14 गेंदे हैं और महेश के पास 13। तो बताइए इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? राजू के पास 14 गेंदे हैं। ठीक है बच्चों, ये रहे, और ये रही महेश की 13 गेंदे। अब इकाई और दहाई में तकसीम करेंगे। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं 14 से 10 का एक गिरोह लूं तो 4 अलग रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इकाई और एक दहाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ करूँ तो 13 से एक गिरोह बनेगा 10 का, और 3 अलग से गेंदे मतलब 3 इकाइयां और एक दहाई होगी। अब अगर मैं इन गेंदों को मिला दूं जो अलग से थे तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएंगी, और यहाँ मिलाए तो ये हो जाएंगी 10 और 10 20, और अब सबको मिला दो तो 20 और 7 27। इसका मतलब कुल मिलाकर दोनों के पास 27 गेंदे हैं।